एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रुक जाओ, मैं बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगी। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मैं जा रही हूँ मंदिर। और पता नहीं मेरे ये ना ये वाली फुंसी तो सही हो गई, ये एक निकल आई है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब तो है ना बेड पर बन नहीं पाते तो हम लोग ना जमीन पर सोते हैं, आपको रियल बताएं तो। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने ये पहनी है ब्लू कलर की साड़ी, ब्लू एंड पिंक है, ये नीचे पिंक ऊपर ब्लू। और आप लोग कई लोग कमेंट करते थे कि एक ही जूड़ा बनाती हूँ, तो आज मैंने यहाँ पर हाफ बालों में यहाँ पे क्लेचर लगाया हुआ है, तो ये ही मेरी आज की हेयर स्टाइल है, सिंपल सी है। और अब मैं ना आपके साथ अपनी जो मैंने न्यू क्रीम अपने लिए मंगाई तो एक महीने पहले थी, आपने देखी होगी, यूज़ भी मैंने कई बार कर ली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रिव्यू दे दूँ। तो वो है वाओ की कुछ लोगों को वाओ सुनाई देता है जबकि मैं बोलती वाओ ही हूँ। थोड़ा क्या हो जाता है ना, मैं बोलने और सुनने में डिफरेंस आ जाता है ना, तो चलिए आप बता। तो वो है वाव की 10-in-1 एक्टिव मिरिकल डे क्रीम। इसे मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, जो इसका पैकेजिंग थी कार्डबोर्ड की, वो मेरे से मैंने जब यूज करी तो वो मैंने फेंक दी, रिव्यू मैं आपके साथ प्रॉपर नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी कर दे रही हूँ। इसमें ये आपके इंस्टेंट मॉइस्चर करता है, टोटल प्रोटेक्शन है, नेचुरल नरिशमेंट है, डैमेज रिपेयर, अगर आपके चेहरे पर डैमेज हो गया है तो वो ये खत्म कर देता है। इसमें नो मिनरल्स नो पैरामिन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी एयरलेस जार है। एयरलेस जार का मतलब होता है आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कैप है, इसको यूं निकालिए और इसको इस तरीके से निकाल लीजिए, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतनी ही आपको लेनी पड़ेगी। उससे क्या होता है पता है कि आपको है ना एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी, तो एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा जो जर्म्स होते हैं वो नहीं जाएंगे आपके। सबसे अच्छी बात वाव की ये है कि वाव में हर किसी इसके पैकेजिंग पे आता है बार कोड आता है, QR कोड आता है, तो आप इसके बारे में पूरी सर्च करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाती है, वाव में वाव पे जो ऐप आ रहा है उसमें चलते रहते हैं ऑफर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो वाव कंपनी है वो है जो वाव की कंपनी है वो है इको फ्रेंडली है, मतलब उसमें केमिकल वगैरह ये मतलब इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन की विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ 80% वुमेन काम करती है, वुमेन पावर्ड पर है वो। साथ ही साथ एक और बात सबसे जो मेन है जिस पर मोदी जी हमारा बहुत ध्यान देते हैं वो है ये है मेड इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है वाव की प्रोडक्ट की। और ये जो क्रीम है ना बहुत ही अमेजिंग है, बस इसको यू पंप करिए और इसको अच्छी तरह से निकाल लीजिए। अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन, बाबू आपकी नहीं है ये मम्मा भैया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस तरीके से तो इसकी जो फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है। इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स कुछ बता देती हूँ। इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, इसमें एलोवेरा वैक्स, सीड बटर, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, हाई कोलेजिन और विटामिन ई, विटामिन सी, कार्बोन डाले गए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, बहुत ही कम अमाउंट में इसको उंगली पर लेना है, देन छोटी छोटी पी के बराबर आपको पूरे पे डॉट कर लेनी है पूरे चेहरे पर, और इसको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरह से मसाज करके आप लगा लीजिए। ज्यादा तेज रगड़ना नहीं है, देखिए मैं ज्यादा तेज रगड़ती नहीं हूँ, लोग बोलते हैं, मैं क्या करती हूँ ना उसको है ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ, तो उससे क्या होता है आपको ऐसा लगता है, आपकी गलतफहमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन में एक बार तो आपको लगानी ही है इसको, अगर आप चाहते हो कि आपके ये काफी अच्छा रिजल्ट दे तो आप शाम को भी मुंह धो के लगा सकते हो, रात में तो आपको पता ही है नाइट क्रीम लगाते हैं ये लगाते नहीं है, तो ऐसा कर सकते हो। और ये आपको 50 ml की मिल जाती है इस तरीके से। और अभी वाव के ऐप पर ऑलवेज कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है, तो आप जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर मंदिर से आने के बाद। और इसकी जो पैकेजिंग है ना बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से आती है, पंप करिए बस यूं करके इस तरीके से, और जहां पर आपको लगानी है ऐसे डॉट डॉट करके लगा लीजिए, है ना। और इसकी जो ट्रांसपेरेंट है, इसकी जो बॉक्स है ना वो बहुत ही अच्छी है, देखिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये है नो मिनरल्स नो पैरामिन्स केमिकल फ्री है, तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं, QR कोड भी दिया गया है, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी होती है,
इको फ्रेंडली है ये, है ईगो। देखिए इस तरह से पंप की बोतल में ये आती है, ये देखिए है ना, तो इसे पंप करिए और ये इजिली से इसे रोटेट कर लिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाकर आप खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ। और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मेड इन इंडिया सबसे मेन बात ये है। तो चलिए मैं मिलती हूँ मंदिर से आकर, तब तक के लिए। यहाँ पर इवनिंग, मतलब इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैं दीव को लेके जा रही थी ट्यूशन के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना इवनिंग रूटीन, के इवनिंग में कैसे करती हूँ। और ये वीडियो कल की ही है, मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था इवनिंग का रूटीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। पता है आधे लोगों ने तो साथ छोड़ दिया, 15,000 के सब्सक्राइबर, इससे अच्छे तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो ज़्यादा बेटर था, तो कम से कम बुरा नहीं लगता। हाँ इतने सब्सक्राइबर है, इतने ही देखते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन सब्सक्राइब करके छोड़ दिया बहुत दुख होता है। इस वेलकम बैक टू, मैं बार बार वेलकम बैक टू बोलती हूँ तो आदत पड़ गई है। तो दियो बैग में रखो बेटा, चप्पल पहनो। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ दियो को ट्यूशन। इवनिंग का हो रहा है तो अभी मैं जा रही हूँ दियो को छोड़ने के लिए ट्यूशन। और दियो को आपने सुना ना कि वो ना कितनी मिस्टेक कर रही है, अभी सुनाने में कई सारी स्पेलिंग उसको याद है फिर भी वो मिस्टेक कर रही है। तो उसे प्रॉपर याद करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उस पर इन फ्यूचर बर्डन ना पड़े। तो पर अभी अभी थोड़ा थोड़ा हम इसे याद करा दे रहे हैं। दियू वैसे इंटेलिजेंट है काफ़ी याद करने में भी, लेकिन बच्चा है भूल जाते हैं तो ऐसा ही अब। और फिर वो कैमरे के सामने भूल गए, वैसे उसे याद है, पता नहीं कैसे भूल गए, मुझे समझ में ही नहीं आया। और स्वस्थ की स्पेलिंग तो भी एक बार को वो भूल जाती है, बट दियू की नहीं भूलती है। चलो कोई नहीं, होता है। चलो बेटा बैग रखो। और अभी आज मैंने आपके साथ कोई भी खाना शेयर नहीं करा, क्योंकि आज बनी थी मसूर की दाल और पराठे, सिंपल सा खाना था, क्या शेयर करती, तो नहीं करा इसके कारण से। और अभी मैंने नाइट केयर रूटीन कर लिया है, दियो को छोड़ने जा रही हूँ। और अभी फिर आने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और मैंने पता है आज मॉर्निंग में कपड़े वॉश नहीं करे, तो मैं आज कपड़े अभी वॉश करूँगी। पता नहीं क्यों, कल फास्ट था तो आज बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, बहुत 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 ज़्यादा। तो आज मैं दिन भर तो नहीं बोलेंगे, मतलब मॉर्निंग में भी आराम से लेट उठी थी और इवनिंग में भी, मतलब मैं सो गई थी, ऐसा है। तो चलिए आज मैं अभी इतनी टाइम मिला तो वीडियो शूट करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स की, और नहीं मिला तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, है ना। सो यहाँ पर से दियू आ गई है ट्यूशन से, और मैं ट्यूशन से दिया को लेकर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे वो कपड़े मैं यहाँ पर उतार रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम लगता है उतारने, फिर मुझे भी अपने कपड़े चेंज करने हैं, धुलने डालने हैं ये वाले कपड़े, साड़ी वगैरह। यहाँ पर दियो बार बार जिद कर रही थी मुझे चलाना सिखाओ। एक्चुअली मैं दियो भी चलाना नहीं सीखी हुई है, मतलब आगे की तरफ बढ़ाती नहीं है। और वो पैर, एक कमेंट आया था तो वो बोले थे पैर नहीं बन पाते, लेकिन पैर बन जाते हैं उसके आसानी से, बट वो आगे की तरफ उसे प्रेशर नहीं डालती, यानी आगे की तरफ जो उसका पहिया होता है उसे आगे बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाती, उससे डर लगता है कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। अभी न्यू है ना, और थोड़ा इसलिए डर लगता है। खड़े होकर तो चला लेती है बट सीख जाएगी, डोंट वरी, थोड़ा टाइम तो देखिए सब में लगता है। फिर दियू को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता, सुबह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 12 बजे तक, उसके बाद वो यहाँ पर
क्लासेस के बाद वो यहाँ पर थोड़ा बहुत खेलती है, फिर ट्यूशन का काम करती है। और जो मैंने कपड़े भी उतारे थे उन कपड़ों को मैं तय बना के रख दूँगी। मैं भी बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ गाइस, इतनी मेहनत करती हूँ, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और रोने की बात तो है ही है। और यही मेरा एक सिंपल इंडियन हाउसवाइफ का इवनिंग रूटीन है। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं और ऐसे ही आप लोग जैसे, आप लोग मेरे ऐसे दिल से कुछ नहीं लगते लेकिन एक रिश्ता सा बन गया, आपसे रिश्ते बन जाते हैं। सबसे मेन बात है कि देखिए, गुस्सा आप लोग को आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं गुस्से में आप लोगों से कुछ बोल देती हूँ तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के, छोटी बेटी या कुछ भी समझ के, बड़ी बहन समझ के तो कभी कभी तो माफ़ कर दिया करो। आप लोग तो गुस्सा हो जाते हो, मैं भी, मुझे भी गुस्सा आता है, कुछ ज़्यादा इरीटेटेड कमेंट होते हैं उन पर मुझे भी गुस्सा आता है, उसके कारण से मैं थोड़ी सी इरीटेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैंने अभी तक किसी को भी गुस्से में जो कुछ भी बोला हो तो सॉरी गाइज, मैं दिल से कुछ नहीं बोलती, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो बोल देती हूँ। और यहाँ पर जो सारे कपड़े थे वो मैंने तय बनाकर है ना अलमारी में रख दिए। मेरे पास है ना जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, सामान के हिसाब से मैं सामान सेट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आप लोगों से बातें भी नहीं की, कुछ बातें भी कर लेती हूँ आप लोगों से। गाइज गुड इवनिंग, और अभी हम सोने जा रहे हैं, सोने तो नहीं जा रहे क्या, वीडियो एडिट करूंगी मैं अभी, अब स्टार्ट करूंगी। मुझे एक्चुअली मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला, मैसेज आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, अभी मैं दियो को कम ला रही हूँ क्योंकि मेरे दियो को नज़र लग गई है कुछ, जो इतने गंदे गंदे सोच रखते हैं बच्चों के लिए और गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं दियो को नहीं ला रही। सो सॉरी गाइस, जो लोग दियो को प्यार करते हैं उनको वो लोग ऐसे ही दुआ कीजिए, मैं लाऊंगी लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि मेरी बेटी को इतना कोई गलत बोला यार, सच में मेरी माइंड से वो बातें निकल नहीं रही, सच में नहीं निकल रही, मैं निकालना चाह रही हूँ पर निकल नहीं रही। और अभी हो रहा है सोने का टाइम, सोएंगे, वीडियो एडिट करने के बाद थक गए और मैंने अभी रिचार्ज नहीं कराया है टीवी का। तो दीव खेल रही है यहाँ पर टॉयस से, पता नहीं क्या घर घर खेल रही है। और अभी मैंने सुना है कि पबजी हो गया है बैन, ये बहुत दुख की बात है, जो लोग पबजी खेलते थे उनके लिए, अब वो कई सारे मम्मी खेले, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब कि ये चाहते होंगे कि पबजी से ही उनका जो घर था वो चलता होगा, जो कि जिनका पबजी के बिना घर नहीं चलता था, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे ऐसे कि कैरी मिनाटी है, मोर्टल है, कई सारे ऐसे यूट्यूबर गेमर थे जो कि पबजी से ही लाइव स्ट्रीम करते थे, लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन अब उनका आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन बहुत सारे गेम है, पबजी को छोड़ के बहुत सारे गेम है, वो वाले भी खेल लेंगे, उनको शायद थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, देखिए डाउनफॉल तो आएगा। चलो मैं मिलती हूँ बाद में, भैया का फोन आया है, तो भैया का फोन आ रहा था, पूछ रहा था कि लाइव नहीं आई है बहुत दिन से, तो मैंने कहा नहीं यार लाइव नहीं आई, थोड़े दिनों बाद आऊँगी। और दिशा से भी बातें कर ली और बस सब ठीक है घर पर, कभी कभी फ़ोन आ जाता है मम्मी पापा का, मम्मी का तो वैसे मोस्टली दिन में आ ही जाता है, बट मैं ही इधर से करना भूल जाती हूँ, लेकिन मम्मी पापा कभी करना नहीं भूलते, तो वो फ़ोन कर लेते हैं कुछ, बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो पूछ लेंगे खाना खा लिया, क्या कर रही है, बस इतना ही, और काट देते हैं। उन्हें पता नहीं क्या खुशी मिलती है। और ऐसी मेरी बेटी अगर मेरी मम्मी के यहाँ कहीं भी चली जाए तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब पल पल पर दियू गाएं मेरा बच्चा गाएं, ऐसा करके मैं फ़ोन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, है ना दियू? हाँ, प्यारा बच्चा। चलो दिखाती हूँ दियू क्या खेल रही है ना। यहाँ पर दियू पता क्या खेल रही है, आपको दिखाती हूँ। तो दियू यहाँ पर पता है उसने क्या करा है, देखो भी हमारी दियू टूटे तो नहीं है, तोड़ के तो खेल रही हो, संडे
बाय कर लोगे तो गुड नाइट हम मिलेंगे न्यू, तभी इससे बोलो अब बाय गुड नाइट मिलेंगे कल न्यू व्लॉग में, उधर से बोलो उधर से न्यू व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय मौसी, बाय बाय मौसी, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।